नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 10th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा है, और उस चैप्टर में जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पोर्शन चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अंतर्गत आइए आज एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डालें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, है ना, ऑफ लाइट रे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। रिवर्सिबिलिटी समझते हैं ना, रिवर्स हो जाना, पलट जाना। तो देखो, एक मीडियम मानेंगे, दो मीडियम मानते हैं ना रिफ्रैक्शन में, एक तो होता है डेंजर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। तो मान लो ऊपर वाला जो मीडियम है वो कैसा है, रेयरर मीडियम, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, तो ये इसे डोटेड कर लो। और नीचे वाले मीडियम को क्या मानू, डेंजर मीडियम। ठीक है, डेंजर का मीन्स क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं ऐसा मीडियम, और डेंजर मीडियम को इस तरीके से डिनोट किया जाता है ना इन सिंबल्स से, ठीक है, ये डेंजर मीडियम है आपका। और ये रेयर मीडियम जो है मान लो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे एयर, और ये मान लो क्या है, ग्लास यानी कांच, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट होगी, और ये आपको पता है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। कौन सी सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लिख लेना, ठीक है। तो लाइट रे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होके अब मुझे आप एक बताओ, सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर से डेंजर में जा रही है, यानी यहाँ पर बहुत शील्ड है, खुला है यहाँ पर, है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसमें खुल के नहीं चलती, इसमें बल्कि थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाती है इस तरीके से, ठीक है। यानी भीड़ से कोई खुले में को जाएगी तो खुल के बहुत, है ना, खुल के चलेगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और यहाँ अपोजिट हो रहा है तो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी, इस तरीके से होता है। ये एंगल आपको पता है आई होता है, और ये एंगल आपको पता है आर होता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, पिछली ही बातें हैं। तो देखो जैसा इसमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको, क्लियर है। मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम का वो N1 है, और जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कितना है, N2, ठीक है। एक बात देखें ध्यान से, जो इसमें दिख रहा है डायग्राम में वो आपको लैंग्वेज लिखनी है कि लेट अस कंसिडर, है ना, ए लाइट रे गोज, मानी जाती है, गोज टू डेंजर मीडियम ब्रैकेट में ग्लास, कहाँ से, फ्रॉम रेयरर मीडियम ब्रैकेट में एयर, क्लियर है। एक लाइट रे है जो रेयरर मीडियम यानी एयर से डेंजर मीडियम यानी ग्लास में जा रही है। देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इससे पहले ये भी बता दूं, लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड स्मॉल आर बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देन, ठीक है, देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, किसकी हेल्प लेंगे हम, डेरिवेशन करना है, स्नेल्स लॉ की हेल्प लेंगे, और आपको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, याद होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है 1 N2 के बराबर होता है, बताया था मैंने, या तो n लिख दो या 1 N2, और 1 जो है पहला मीडियम वो एयर है, एयर, तो 1 की जगह ए लिखेंगे, है ना, 1 की जगह क्या लिखा है, ए, और जो सेकेंड मीडियम है वो ग्लास है, तो 2 की जगह जे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो पढ़ना क्या है, रिवर्सिबिलिटी पढ़नी है, रिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्स कैसे होगा। तो रिवर्स मान के ये चलना है कि अब जो लाइट रे है ना वो रेयरर से डेंजर में नहीं जा रही, बल्कि ऐसा मान के चलना है कि डेंजर से कहाँ जा रही है, रेयरर में, यानी एरो पलट रहा हो जैसे, है ना। तो डायग्राम दोबारा के बनाना, बस ऐसा मान के चलना है, लिखना है, इफ, है ना, द लाइट रे गोज टू रेयरर मीडियम यानी एयर ब्रैकेट में एयर फ्रॉम डेंजर मीडियम और ब्रैकेट में ग्लास, देन, ठीक है, फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाना है ऐसा मानते हुए, तो देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिख लेंगे आप। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाना है, अब आपका रिवर्स करने पर फर्स्ट मीडियम ये हो गया है और सेकंड ये हो गया है, ये लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ये इमेजिन करना है, ये फर्स्ट हो गया अब ये सेकंड हो गया, क्योंकि पलट गया ना सारा, पहले ऐसे मान रहे थे कि रेयरर से डेंजर में जा रही है, अब कह रहे हैं कि डेंजर से कहाँ जा रही है, रेयरर में, तो फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड मीडियम ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मीडियम जब वे था, ये था, तो देखो जब मीडियम पलट गए तो आई और आर भी पलट जाएंगे,
क्लियर है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, लेकिन जब लाइट रे ऐसे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, क्योंकि आई और आर को चेंज नहीं कर रहे, बस ऐसा मान रहे हैं। तो आई के प्लेस पे आर हो जाएगा और आर के प्लेस पे आई आ जाएगा, ठीक है। और पहले ए से जी में जा रही थी, यानी एयर से ग्लास में, तो ए एन जी था। अब ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या आ जाएगा, जी एन ए। इक्वेशन सेकेंड, तो सब कुछ पलट रहा है ना, तो आई और आर भी पलट गए और ए और जी भी पलट गए, क्योंकि लाइट रे मान रहे हैं कि अब यहाँ से डेंजर से रेयर में जा रही है। बात समझ आई? तो इतना करते हुए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। वी गेट, देखो मल्टीप्लाई करो, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा ए एन जी मल्टीप्लाइड जी एन ए, ठीक है जी। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई छोड़ दी मैंने, देखो ये हो जाएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और बराबर में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है जी। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, ठीक है। तो वन बचा, तो ये हो जाएगा ए एन जी और मल्टीप्लाइड बाई जी एन ए, ठीक है। तो इसे थोड़ा ए से इधर लिख लो, ए एन जी मल्टीप्लाइड जी एन ए, और ये वन। एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, और एक फॉर्मूला देखो, यहाँ से कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो इधर देख लो, ए एन जी जो है ना वन अपॉन जी एन ए हो जाएगा नहीं, जी एन ए को अपॉन में ले जाओ, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। और इस फॉर्मूले को यदि आप जनरली लिखना चाहते हैं ना जनरली, तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, ए क्या है फर्स्ट मीडियम और जी क्या है सेकंड मीडियम, तो वन एंड टू भी लिख सकते हो, है ना। एक फर्स्ट मीडियम है ना, तो ए के प्लेस पे वन और जी के प्लेस पे टू, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला जनरली आ जाएगा। क्योंकि तो पर्टिकुलरली बात करें ना, यहाँ पर एयर का, यहाँ ग्लास का, तो पर्टिकुलरली बात है ना विशेष, लेकिन यहाँ जनरली बात करें, वन क्या फर्स्ट मीडियम है और सेकेंड क्या है, और टू क्या है सेकेंड मीडियम, तो वन एंड टू किसके बराबर होता है, वन अपॉन टू एन वन होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आपका जो डेरिवेशन था वो किसका था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, और ये जनरल एक्सप्रेशन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये डेरिवेशन तो कम्प्लीट हुआ। और फिर है ना, इसके पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास दोनों की हेल्प से अपने फेयर नोट्स तैयार करते चलो, बहुत सुंदर से, बहुत अच्छी राइटिंग में, और बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ। डायग्राम बहुत अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, है ना। और पेंसिल से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलत हो जाता है तो फिर, है ना, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।